हेलो बच्चों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 20 मार्च का जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का क्लास टेंथ का, उसका चलिए हम आप लोग को आंसर की बता देते हैं। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए मिला के कि कितने आपके आंसर सही होते हैं, और आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसी तरह का पार्ट मतलब कि दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर, और मिला लेते हैं। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो फर्स्ट का 3 ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, राष्ट्रवाद, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 को हुआ था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो मिलाते जाना। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि देखिए जन पर आधारित विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये पूछ रहा है कि खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। 4 का फर्स्ट हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा गांधी जी का जन्म भी गुजरात में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो 5th का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली पर अध्ययन करने, ठीक है। आगे देखिए, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुँह में चले गए, ठीक है। तो किसका आया था, आलू। 6 का ऑप्शन नंबर 2 चालू होगा कि इसी का फसल खराब हो गया था जिसके कारण भुखमरी आया था आयरलैंड में। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से देश थे। तो 7वां का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8th नंबर में देखिए पूछ रहा है कि 1929 की आर्थिक मंदी के दौरान है ना के कारण दुनिया के ज़्यादातर देशों में निम्न में से किसका भयानक गिरावट दर्ज की गई। किसका भयानक दर्ज किया गया, उत्पादन का भी कमी आया, रोजगार में भी कमी आई, और आय और व्यापार में भी कमी आई थी 1929 की आर्थिक मंदी में। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो क्यों सामना करना पड़ा बुनकरों को, 9 का फर्स्ट हो जाएगा, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण, ठीक है। चलिए 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। 10th नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो 10वां हो जाएगा 3, कपास और धातु। क्या हो जाएगा, कपास और धातु। आगे देखिए पूछ रहा है 11 में मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी, चीन में। मुद्रण तकनीक कहाँ सबसे पहले विकसित हुआ, चीन में। 11 का आपको चीन हो जाएगा 2nd नंबर। आगे देखिए 12 नंबर पूछ रहा है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी पर नेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। किसने लिखा है, 12 का फर्स्ट हो जाएगा ज्योतिबा फुले, है ना, ज्योतिबा फुले। चलिए समाप्यता के आधार पर मतलब समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम क्या क्या है। तो याद रखिएगा कि 13 का बी हो जाएगा, है ना, 2nd नंबर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो फिर से मतलब कि आ सके, अपनी समाप्त ना हो, अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाए, है ना। तो ये है, आगे चलिए मिला लेते हैं। 14 नंबर पूछ रहा है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। तो 14 का 4th ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि देखिए अंधाधुंध शोषण से भूमंडलीय तापन भी हो गया, ओजोन परत अपक्षय भी हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। तो इनमें से सभी, 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है। 15 का 4th नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सभी सही है। पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को भी संरक्षित होता है। तो इनमें से सभी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर में देखिए पूछा था आप लोगों, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। किस तरह का वन सर्वाधिक मूल्यवान होता है, आरक्षित वन। क्या हो जाएगा, 2nd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पूछ रहा है कि 17 नंबर में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर 4, सभी कारण से, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, रसायन के अधिक उपयोग से, और कीटनाशकों और कृषि में उपयुक्त उर्वरकों से। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी।
18th नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो किस प्रकार के फसल का किस फसल के अंतर्गत आती है। तो 18वां का आसान क्वेश्चन था खरीफ फसल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में पाई जाती है। पवन और सौर ऊर्जा का अधिकांश कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 20 में पूछ रहा है जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं, किस प्रकार का, तो चौथा हो जाएगा। देखिए जल क्रांतता भी हुआ है, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी सभी हो गया है, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है कि औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, किसको माना जाता है, 21 का दो हो जाएगा लो अयस्क सबसे मतलब रीढ़ का होता है, समझ लें रीढ़ होता है औद्योगिक विकास के लिए। 22 नंबर में देखिए पूछ रहे निम्न में किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, किसका किया जाता है, यूरेनियम और थोरियम का बहुत ज़्यादा उपयोग है। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, तो वायु प्रदूषण किस पर प्रभाव डालता है, तो 23 का क्या हो जाएगा 4, मानव स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी, पौधों पर भी, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए 24 में पूछ रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, मतलब बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से क्या है, समृद्ध और ताकतवर हैं, तो क्या हो जाएगा 24 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है फ्रेंच, क्या हो जाएगा 24 का फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंच। जब श्रीलंका में देखिए 1956 में श्रीलंका में कानून लाया गया तो इनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया, किन को बातों को जोड़ा गया, ये आपका सिन्हाली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया कर दिया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है सरकारी नौकरी में सिन्हालियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, सभी तो सभी चीज़ हुए थे, ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 26 में देखिए ठीक है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है, कौन रखता है, तो 26 का 3 हो जाएगा न्यायपालिका अंकुश रखता है ना। 27 में देखिए पूछ रहा है कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है, कहां स्थित है, तो 27 का आपको हो जाएगा फर्स्ट राजस्थान में, कहां है राजस्थान में। 28 नंबर देखिए सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित होता है, किस पर होता है, तो हो जाएगा 3 जन्म पर, है ना, सामाजिक विभाजन जन्म पर होता है। 29 नंबर देखिए सांप्रदायिक राजनीति पर इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही राजनीति सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, 29 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, ठीक है सांप्रदायिकता, ठीक है 29 का सेकंड। निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो सबसे दर कम किस में, तो 3 हो जाएगा केरल में सबसे कम है मृत्यु दर, ठीक है बच्चा का। निम्नांकित में किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो औसत किसको कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को भी, ठीक है। 32 में देखिए 32 में पूछ रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, कि 32 में देखिए पूछ रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित है विभाजित है, तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, उद्यमों के स्वामित्व के ऊपर, ठीक है आधार पर। चलिए 33 में देखिए कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा 33 का फर्स्ट, तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के नाम से जाना जाता है, लिख लीजिए। 34 में देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है, 34 का आपको फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मुद्रा, क्या हो जाएगा मुद्रा। आगे देखिए सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं ठीक है उसी स्थान पर बनाई जाती हैं जहाँ उत्पादन इकाई स्थापित, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहाँ क्या 35 का क्या हो, बाजार भी नजदीक होना चाहिए, कम लागत पर श्रमिक भी होना चाहिए, उत्पादन के अन्य कारक भी, तो इनमें से सभी फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 में देखिए पूछ रहा है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण करने में है ना निम्न में से कौन सा आया है, तो कौन हो जाएगा 36 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विदेशी व्यापार, क्या हो जाएगा विदेशी व्यापार। आगे देखिए 37 पूछ रहा है कि इतना दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ, 1960 वाला पूछ रहा है कि दशक में जो व्यक्ति व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ वो, तो 37 का क्या हो जाएगा आपका 37 का 4 हो जाएगा इनमें से सभी, अत्यधिक खाद की कमी के कारण, खाद्यान्नों की कमी क्या बोलते हैं जमाखोरी के कारण, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट के कारण, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 में देखिए पूछ रहा है संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया, तो किस प्रकार बनाया गया 38 का फर्स्ट हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावशाली। आगे देखिए अब पूछ रहा है अन्य जाति समूहों में
भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की अवधारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है, किस पर आधारित है? 39 का हो जाएगा 3, वर्ण व्यवस्था पर बांटा जाता है, भेदभाव किया जाता है। 40 में देखिए पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों को मुख्य उपयोगिताओं के आधार पर के उपयोगिताओं निम्न में से क्या है, तो क्या हो जाएगा 40 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी, सरकार को सजग बनाए रखना, सरकार को सफल बनाना और सामाजिक दलों पर प्रभाव डालना। तो इस तरह से देखिए मैंने 40 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आपके कितने सही होते हैं आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग को भी पता चले कि कितना आप लोग सही करके आए हुए हो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बाकी कल जितना भी आप लोग को चाहिए सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैंने करवा दिया है हमारे चैनल के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिए कमेंट किया हुआ है, ठीक है। 2023 का सभी सब्जेक्ट का मतलब मिल जाएगा मॉडल पेपर, आप लोग सभी जरूर कर लीजिए उसको, ठीक है।